तो एक बार फिर से वापस आते हैं, और द लास्ट लेसन के बाद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग से हम लोग क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कहीं कमेंट था कि चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, तो हम ले आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपको 90+ श्योर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साहेब कौन है, और वो मतलब साहेब क्या देख रहा होता है गार्बेज पे, ठीक है, कूड़ेदान में क्या देख रहा होता है, और वेयर इज ही एंड ही वेयर ही हैज़ ही कम फ्रॉम। ठीक है, वो कौन है और वो कहाँ से आया है। तो साहिब क्या था, एक रैग पिकर, कचरा उठाने वाला लड़का था। ठीक है, राहिब साहिब क्या था, एक कचरा उठाने वाला लड़का था, और वो कचरा खाने में क्या देख रहा होता है डंप में, 1 रुपए या 10 रुपए का नोट देख रहा होता है। ठीक है, और कुछ बेचने योग्य चीज़ें, सेलेबल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, वो लिव्स एट अ सीमापुरी, वो कहाँ रहता है, सीमापुरी पे रहता है, और जो आया कहाँ से है, तो ढाका से आया, जो ढाका कहाँ से, बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द ऑथर इनकाउंटर और मेट विद द साहेब एवरी मॉर्निंग। जो ऑथर है वो साहिब से डेली हर सुबह कहाँ पर मिलती थी। ठीक है, तो ऑथर जो एनिस जंग है वो साहिब से कहाँ मिलती थी, एवरी मॉर्निंग इन द गार्बेज डंप, गार्बेज डंप पे मिलती थी, कूड़ेदान पास मिलती है, जो कि नेबरहुड में है, मतलब कि बगल में, पड़ोस में है, किसके, ऑथर के पड़ोस में जो कचरा खाना है वहाँ पर मिलता था। ठीक है, देर वॉज अ गार्बेज इन अ डंप ऑफ द नेबरहुड ऑथर। ठीक है, ऑथर के घर के बगल में एक गार्बेज था, वहीं पर मिलते थे। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे रैग पिकर्स आते थे, रैग पिकर्स कहने का मतलब कचरा उठाने वाले आते थे, यूज़ टू कम एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आते थे, और क्या करते थे, फाइंड सम सेलेबल थिंग्स। ठीक है, कुछ बेचने वाली चीज़ें ढूंढते थे, और साहेब उनमें से भी वन था, साहेब वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, उन्हीं में से मैं साहेब एक था। ठीक है, वाई डिड ऑथर फील एम्बैरेस्ड। ठीक है, ऑथर जो है वो शर्मिंदगी क्यों महसूस करती है, तो शर्मिंदगी इसलिए महसूस करती है क्योंकि जो ऑथर है वो ये साहेब से प्रॉमिस किए रहती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो हाँ वो बोलता है कि अगर बनवा दोगे तो ज़रूर जाएंगे। तो इसलिए जब दूसरी बार जब मिलता है साहेब तो पूछता है, तो वो स्कूल नहीं बना हुआ होता है, इसलिए वो एम्बेरेस फील करती है। देखो, द ऑथर फील एम्बेरेस्ड टू मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, एक झूठा वादा करने के लिए एम्बेरेस्ड फील करती है, झूठा वादा किससे, तो साहिब से। ठीक है, वो प्रॉमिस क्या करती है कि वो स्कूल बनाएगी उसके घर के बगल में, लेकिन वो जानती है, बट सी न्यू दैट सी वुड नॉट बी एबल टू कीप हर प्रोमिसेस, लेकिन वो जानती थी कि इसका प्रोमिसेस को हम कभी पूरा नहीं, मतलब जो हम प्रोमिस किए हैं साहिब से वो प्रोमिस कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, एम्बेरेस शर्मिंदगी महसूस करती है। वट एक्सप्लेनेशन डज ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग द फुटवेयर। देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया है ऑथर ने, जो बच्चे फुटवेयर चप्पल जूता नहीं पहनते हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया। कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, ऑथर के मुताबिक ये पैसों की कमी की बात नहीं है, और बट इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन ये उन लोगों का ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा, ठीक है, कि खाली पैरे ही रहना है, चप्पल जूता नहीं पहनना है। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द रैग पिकर्स आर द हैबिचुएटेड, और जो रैग पिकर जो कचरा उठाते थे वो इतना हैबिट हो गए थे, उतने उस सिचुएशन में, उस माहौल में, उस तरीके से ढल चुके थे कि चप्पल जूता पहना भी दो तो खोल देते थे। ठीक है, मतलब कि बिना चप्पल जूता कहीं रहने के आदी हो गए थे, जो दिखाता है परपेचुअल स्टेटस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मतलब उतने भी गरीब नहीं थे, लेकिन उन लोग का ट्रेडिशन सा बन गया था, गरीबी तो था, ठीक है, लेकिन मतलब कि जानबूझ के उन लोग नहीं पहनते थे। ठीक है, व्हाई डिड ऑथर गो टू द सीमापुरी, ऑथर क्यों जाती है सीमापुरी। ठीक है, द बेयर फुट रैग पिकर कंपेयर द ऑथर टू सीमापुरी सी वेंट टू द गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेफ्ट स्टर रजिस्टर। देखो, ऑथर इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ के जो रैग पिकर्स और होते हैं उन लोगों के लाइफ स्टाइल को जानने के लिए ऑथर कहाँ जाती है, सीमापुरी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहिब जो था वो टी स्टॉल पे क्या खुश था काम करके। इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से क्या पूछेगा कि जो एनिस जंग है उसका जो स्टेटमेंट है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है वो अब मास्टर, अपने आप का मास्टर नहीं रहा, मतलब कि जो मन था वो करता था ना, जिस वक्त कचरा उठाता था उस वक्त, लेकिन अब जो है वो नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो वो उसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन था,
स्टील का जो कैनिस्टर था वो प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो नो, साहिब इज नॉट हैप्पी एट ऑल, साहिब खुश नहीं था टी स्टॉल पे, वर्किंग एट अ टी स्टॉल बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, चूंकि वो अपना आज़ादी खो चुका था और जो कि कैनिस्टिल और जो कैनिस्टर था, जो केन था, वो उसको भारी लग रहा था अपने प्लास्टिक बैग से, इसलिए क्योंकि प्लास्टिक जो था वो उसका खुद का था और जो उसको दिखाता था उसके आज़ादी को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, सिंबल ऑफ फ्रीडम, जबकि जो स्टील का कैनिस्टर था, ठीक है, केन था, वो बिलोंग करता था जो टी स्टॉल पे काम करता था उसके ऑनर से। ठीक है, जो एक सिंबलाइज कर रहा था उसके सेलेबरी का, गुलामी का, ठीक है, दास का, जो कि वॉज नो लॉन्गर इज मास्टर, जिसके कारण वो उस अपने फील्ड का मास्टर नहीं रहा लंबे समय तक, तो मतलब कि मनमौजी नहीं कर सकता था। ठीक है, हु वॉज मुकेश, अब इसका जो सेकेंड पार्ट था, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का, जिसमें मुकेश वाली कहानी था, उससे है क्वेश्चन, मुकेश कौन है और उसका क्या एम्बिशन था और ड्रीम था। तो मुकेश एक अपवर्ड लुकिंग बॉय है, आगे की सोचता है, ठीक है, आगे को सोच के चलता है, और बिलोंग करता था एक बैंगल मेकर फैमिली से, जो कि कहाँ था, फिरोजाबाद में था। उसका जो पूरा का पूरा फैमिली था वो किसमें इन्वॉल्व था, बैंगल मेकिंग्स में। लेकिन मुकेश जो था वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और उसका क्या ड्रीम था, तो एक बार कार ड्राइव करे, ये उसका ख्वाहिश था, ठीक है, एम्बिशन था। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या बनाता था, तो बैंगल मेकर का जो इंडस्ट्री था वहीं पर था, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, अपनी चूड़ियों के लिए वो फेमस था फिरोजाबाद। ठीक है, ये सेंटर था तो किसका, ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ पर वहाँ ग्लास का जो इतना भी चूड़िया बनता था इसके लिए वो फेमस था। ठीक है, वेर एवरी अदर फैमिली इज इन्वॉल्व इन मैकिंग बैंगल्स, ठीक है, जहाँ पर हर एक घर के परिवार जो थे वो सारे के सारे किसमें इन्वॉल्व थे, तो चूड़ी बनाने में। ठीक है, उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन, मेंशन द हाजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्या क्या जो तकलीफें आती हैं, हजार्ड्स आता है, ठीक है, हजार्ड्स कहने का मतलब है कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उस वहाँ पर, ठीक है, वो बताओ, और डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ 20,000 चाइल्ड वर्कर हु वर्क इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज मोस्ट हैजर्डस कंडीशन। ठीक है, और एकदम बुरी परिस्थिति में ये 20,000 बच्चे उस ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना। तो क्या बोलता है, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री चिल्ड्रेन वर्क इन अ सब ह्यूमन कंडीशन, इन अ हाई टेम्परेचर विदाउट प्रॉपर एयर एंड लाइट, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड है। देखो, जो इंडस्ट्री था बैंगल मेकर में, वहाँ क्या था, ज़्यादा लाइट नहीं था, हवा भी नहीं था, और वहाँ जो जिस बैंगल्स बनाए जाते थे चूड़ी, तो जिसके कारण वहाँ पर आग से कटाई उटाई होता था शीशे का, तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में जो बच्चे काम करते थे उनकी जो आंखें थी वो एडजस्ट कर चुकी थी ज़्यादा डार्कनेस में रहने की। ठीक है, तो देन द लाइट आउटसाइड, जो बाहरी की रोशनी होती है उससे ज़्यादा एडजस्टेबल हो गई थी उनकी आंखें डार्क में रहने को। ठीक है, दैट्स वाई दे ओपेंटली लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज बिफोर बिकमिंग एडल्ट, इसलिए जो थे वो बड़े हुए, एडल्ट हुए, उससे पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। ठीक है, वाई आर द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद अनेबल टू गेट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, देखो कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो पाते थे वहाँ के जो लोग थे बैंगल मेकर्स के, जो मतलब फिरोजाबाद में जो बैंगल्स मेकर होते थे वो एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो पाते थे, इस चीज़ को बताओ, क्यों नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद आर कंपेयर टू डू वर्क एज अ स्लेव ऑफ अ मिडिल मैन वेन एवर दे ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। कहता है देखो, यहाँ के जो बैंगल मेकर्स थे ना वो एक स्लेव, दास के जैसा, नौकर के जैसा काम करते थे, तो किसके दास नौकर के, जो मिडिल मैन होते थे ना उसके। ठीक है, और दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, और कोशिश करते थे कि वो कोऑपरेटिव में जाए, तो क्या होता था कि जो पुलिस थे उसे अरेस्ट करते थे और लोगों को मारते थे, और कहाँ भेज देते थे, सेंड टू इनटू द जेल, और मार पीट के कहाँ भेजते थे, जेल, और कह देते थे कि तुमने कुछ इलीगल सा किया है इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, और उन लोगों के पास देखो कोऑपरेटिव अगर बने और ये लोग जो बिना मतलब का पुलिस इसे मार देती थी इन लोगों को, तो उन लोगों के पास कोई लीडर भी नहीं था लड़ने को। ठीक है, दैट्स वाई, इसलिए जो बैंगल मेकर और फिरोजाबाद थे वो कोऑपरेटिव में नहीं जा पाते थे, कोऑपरेटिव नहीं हो पाते थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड एंड हाउ। ठीक है, कुछ कुछ देखो, हर एक चैप्टर से हम क्या है, पहले शॉर्ट चलेगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट, देखो शॉर्ट चल रहा है ना, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, दो नंबर, चार नंबर वाला,
ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अंत में जाते जाते 5 नंबर, मतलब किसी भी चैप्टर से अगर 5 नंबर आए, 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, तो आप पूरी तरह से कर लोगे। ठीक है, तो चलो देखो इसका, ये इसका देखते हैं कि इनफैक्ट चाइल्ड लेबर इज अ कर्स एज अ सोशल इविल एंड अ बैक स्पोर्ट ऑन द फेस ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी। सभ्य समाज पे एक काला धब्बा है अगर बच्चे से हम लोग करवाते हैं कोई भी मजदूरी या काम करवाते हैं, तो एक सभ्य समाज के लिए एक धब्बा है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज गोइंग फॉर एवरीवेयर, लेकिन इसके बावजूद भी ये हर जगह पर चल रहा है। चिल्ड्रेंस आर कंपेयर टू वर्क इवन द मोस्ट हाई, चिल्ड्रेंस जो है वो बहुत ही खराब बुरी बुरी परिस्थितियों में भी काम करते हैं, जहाँ पर एकदम खतरा बहुत ज़्यादा होता है उस जगह पे भी। इंडस्ट्रीज में जैसे कि बैंगल मेकअप इंडस्ट्री, क्रैकर्स में जहाँ फटाका उटाका होता है वो इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, मैचेस इंडस्ट्री जहाँ मैच स्टिक्स बनते हैं, माचिस बनता है वहाँ पर। इट ओपनली सेड द चिल्ड्रेंस आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, यह कहा जाता है कि बच्चे जो हैं अगले कल के भविष्य हैं। ठीक है, हमारे भारत के भविष्य हैं, आने वाले भारत के। तो एंड इफ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी डार्क, अगर यदि फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन डार्क होने वाला है, तो जो ब्राइट फ्यूचर हमारा नेशन का वो कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता। जब बच्चे का ही फ्यूचर डार्क होने वाला है, तो हमारे उज्जवल भारत का भविष्य नहीं किया जा सकता इमेजिन। ठीक है, सो वी शुड लेबर शुड बी इलिमिनेटेड एट एनी कॉस्ट, इसलिए जो है चाइल्ड लेबर को हम लोगों को किसी भी हालात में खत्म करना चाहिए। ठीक है, सिंस द पॉवर्टी इज द मेन रीजन, चूंकि देखो बच्चे करते क्यों हैं, बच्चे काम क्यों करते हैं, गरीबता के कारण पॉवर्टी मेन रीजन आ जाता है कि भाई गरीब हैं तो क्या करेंगे, काम करेंगे ना, खाना वाना पीने के लिए क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिंस द पॉवर्टी इज द मेन रीजन, जो गरीबता है वो मुख्य कारण है चाइल्ड लेबर का, तो सो इट शुड बी रिमूव, तो पॉवर्टी को ही हटाओ। तो पुअर चिल्ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर डाइट, बच्चे को दो प्रॉपर डाइट, शेल्टर दो, रहने को जगह दो, एजुकेशन दो। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट शुड मेक अ स्ट्रिक्ट रूल, और सरकार को क्या चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रूल, सड़क एकदम कड़क सा रूल बनाना चाहिए और रेगुलेशन बनाना चाहिए जिसमें से चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। ठीक है, दोज हु वायलेट दिस रूल, और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं, ठीक है, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। ठीक है, जो उसको पनिशमेंट दे, तो अगले जो कोई चाइल्ड लेबर करवाता है, तो उन लोगों के लिए एक सबक बन जाए, उन लोगों के भी आंखें खोल दे कि नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना। ठीक है, द अदर गवर्नमेंट इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द कॉमन पीपल शुड बी कम फॉरवर्ड, और इसमें हम लोगों को ही आगे आना होगा और सपोर्ट करना चाहिए पुअर चिल्ड्रेन को, अदरवाइज देयर फ्यूचर विल बी रिमेन डार्क, नहीं तो उन लोगों का फ्यूचर जो है फिर से डार्क ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर आएंगे, डीप वाटर लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।